उस पिक्चर से आप किसको जोड़ेंगे, किसको आप तसल्ली देंगे, किसको आप सेटिस्फाइड करेंगे, ये ज़रूर सोचिएगा और करिएगा। आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक हो। दो फैसले कर रहे हैं, ये तो आप तय करिए। एक तो ये कि आपके सर्टिफिकेट यहीं दे दिए जाएं, आपकी फिल्म, हाँ वो देखिए, मैंने कहा था ना कल ही आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग मंच पर मांगेंगे, इनकी राय थी, मैंने कहा नहीं, बहुत सारे लोग प्रोग्राम देखना चाहेंगे, मंच पर जाके फिर अपना सम्मान लेना चाहेंगे, आप लोगों को तय करना, मैं तो दोनों ही तरफ से एक बुक है। लेकिन मेरी समस्या यह है, जैसे आज का दिन पूरा लोकल लोगों का है, आज सारे परफॉर्मर आप हैं, आज एक बिल्कुल आम नागरिक हमारा विशेष स्थिति होगा, जो हम लोग हमेशा से करते हैं, बम्बैया और नेताओं का हो चुका, अब एक मैं अपना मौका हम सब लोग व्यक्तिगत और बड़े आदमी को देते हैं, तो वो भी है। अब जैसे 23 तारीख को एक मंत्री हैं केंद्र से और आपने गवर्नर साहब हैं, तो उस बीच में फिर आप पिस जाएंगे, फिर आपको जगह नहीं है। 22 को विजय लक्ष्मी साधु जी हैं, तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि आपको तय करना है, ये मंच आपका है, ये टपरा टॉकीज आपका है, सब व्यवस्था आपकी है, अगर आप यहाँ चाहें तो यहाँ आपका सम्मान हो, आप चाहें वहाँ मंच पर हो तो वहाँ पर भी सम्मान होगा, तय आप कर रहे हैं। आरिफ हैं, आरिफ हम आपके लिए हमसे इतने लड़ते हैं, कई बार हमारी दो दो तीन तीन दिन तक बातचीत बंद हो जाती है, ये इतनी इंसल्टिंग बात करते हैं आपको लेके, मुझे लगता है यार मैंने काम ही गलत किया, नहीं आप उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको बुला के आप बेइज्जत करते हैं। अरे मैंने कहा मैं कहाँ बेइज्जत कर रहा हूँ, जिनसे संसाधन है मेरे पास सब सामने हैं, 400 कमरों का इंतजाम करना होता है, बताइए बगैर पैसे के कौन करेगा, नहीं मुझे 400 कमरे को। किरण कुमार ने परसों कल सुबह बहुत हंगामा किया कि उनको मंच पर सम्मान नहीं मिला, वो भी मुझे संभालना था। तो इसमें मैं आप लोगों से मैं यही चाहता हूँ कि भाई मेरे कमरे में आके 10 लोग सो जाओ, देख लो मैं कहाँ सो रहा हूँ, तो आपको पता चल जाए कि कितनी सुख सुविधा में मैं जी रहा हूँ और कितने मैं साधन उपयोग कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत तकलीफें होंगी, उनको आप बड़ा बनना है तो छोटे कीले कांटे को आपको नज़रअंदाज करना होगा, अगर छोटे कील कांटे में आप फंस गए तो वहीं बैठ जाएंगे, वो कील कांटे अपने आप निकलेंगे और लक्ष्य तक आप पहुँचेंगे। जय हिंद।